आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में गलत खानपान से, प्रेम और व्यायाम से दूरी बढ़ती जा रही है। इससे शरीर में ही नहीं, शरीर के अंगों के आसपास भी चर्बी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन नामक हार्मोन को रक्त शर्करा का पाचन करने में परेशानी आने लगती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, के कारण रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने लगता है और नियंत्रण में नहीं आता है और व्यक्ति टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह का शिकार हो जाता है। इसी मधुमेह नामक बीमारी के लिए लाडो रतन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक मधुमेह रिवर्सल शिविर का आयोजन लाडो रतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें करीब 70 मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस शिविर में लगभग 90% मरीजों का रक्त ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित मिला। मरीजों को बताया गया कि इसके लिए गलत खानपान और आरामदायक जीवन शैली मुख्यतः जिम्मेदार है और आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण करना है। साथ ही साथ मरीजों को बताया गया कि नई दवाओं से नियंत्रण संभव है। इस शिविर में ग्वालियर से आए डॉक्टर मुकेश गुप्ता, जो कि डायबिटीज़ रिवर्सल क्लिनिक के संचालक हैं, ने मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया। इस दौरान डॉक्टर हेमंत कुमार जैन भी उपस्थित रहे और मरीजों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। डॉक्टर हेमंत जैन ने मरीजों को बताया कि मधुमेह पर विजय सही खानपान और नियमित व्यायाम से संभव है और शिविर के दौरान रक्तचाप, रक्त शर्करा और HbA1c की जांच निशुल्क की गई है। लाडो रतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक रोहित अग्रवाल रामू ने कहा कि आगे भी निशुल्क परामर्श शिविर दतिया की जनता के लिए आयोजित कराए जाते रहेंगे। जी। तरीके के ट्रीटमेंट देखा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डायबिटीज़ है ये काफ़ी महामारी का एक रूप ले रही है और जो भारत हमारा है वो इसकी राजधानी बनने के तरफ की बढ़ रहा है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं, हर तरफ ले रहे हैं, पर जो हमारा ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो डायबिटीज़ रिवर्सल का है। रिवर्सल का मीनिंग ये कह सकते हैं कि हम लोगों की डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका पहले हम कारण समझते हैं। कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो हमारा इंसुलिन को नहीं बना पा रहे हैं। तो पहले हम पेशेंट को अवेयर करते हैं कि भाई आपको जो डायबिटीज़ है उसका कारण समझिए, आपको इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो हमारे इंसुलिन बनाते हैं। अब हमारा एक कारण जेनेटिक हो सकता है और हमारी सेडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। अब हम इन सारी चीज़ों का एवोल्यूशन करते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो ये नहीं है कि हम आपकी जो पीपी और फास्टिंग के तौर पर आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसका कारण समझते हैं, डायबिटीज़ का कारण तक पहुंचकर ही डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करने की सलाह देते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करने की सलाह देते हैं। डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ ऑलवेज ऑलमोस्ट रिवर्सल हो जाती है। नए उम्र के लोगों में डायबिटीज़ की शिकार आ रही है, किस तरह की सुविधाएँ और किस तरह से बढ़ रहा है? देखिए, डायबिटीज़ जो नए लोगों में आ रही है उसका एक ही मेन कारण है, वो है सेडेटरी लाइफस्टाइल। और सेडेटरी लाइफस्टाइल को हम लोग क्या करते हैं, एक कदम भी अगर हमने चलना है तो हम मोटरसाइकिल से ही जाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो खानपान रहता है, जो डेली लाइफ है, हमें लगभग जो हमारा वजन होता है उस वजन के अनुसार हमें लगभग 0.75 से 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन का ज़रूरत होता है, पर हम जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसमें 95% to 90% तक कार्बोहाइड्रेट होता है और हम कार्बोहाइड्रेट की अगर एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं तो इंसुलिन हमारा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से इंसुलिन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से जो यंगस्टर हैं काफ़ी देखने में आ रहा है, पहले इसका जो डायबिटीज़ का स्टैंडर्ड था कि आफ्टर 40 ईयर्स ही लोगों में मोस्ट ऑफ डायबिटीज़ हुआ करती थी, पर अब इसका कोई पैरामीटर्स नहीं है। मुझे रिसेंटली देखने में स्टार्ट आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 20 और 30 साल के बीच के काफ़ी पेशेंट हैं, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए डायबिटीज़ से बच सकते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।